ग्यारहवीं गृह विज्ञान सब्जेक्ट में हम आज पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधि, उसके प्रश्न और अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम देखेंगे कि भोजन कैसे पकाया जाता। अब है भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है। भोजन पकाने का उद्देश्य क्या रहता है कि हम भोजन क्यों पकाते हैं, या किस लिए हम भोजन भोज पदार्थों को क्यों हम पकाने के लिए रखते हैं। तो हम मनुष्य को भोज पदार्थों को खाने से पहले पकाना ही पड़ता है, क्योंकि भोज पदार्थों को पकाने से पचने योग्य भोजन बन जाता है कि वह डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। नहीं तो अगर कच्चा भोजन खाएंगे तो हमको कड़ा कड़ा रहेगा, पेट में पचेगा भी नहीं, जंतु रहित भी हो जाता है ना, और भोज पदार्थ का स्वाद भी बढ़ जाता है, और सारे पौष्टिक हमें खाने में सब्जियां भी बड़ी अच्छी लगती हैं, टेस्ट भी अच्छा लगता है उसको देखने में भी खाने में। फिर है भोजन पकाने की विधियों का वर्णन करिए। भोज पदार्थों को पकाने की तीन प्रमुख विधियां हैं, जैसे उबालना। उबालने में पानी रख दिया और हम उसमें जो भी चीज हमें आलू उबालना है या दलिया उबालना है या कोई सब्जियां उबालना है तो उसमें हम है ना 100 डिग्री पानी में रख देते उबलने के लिए। उबालने से भी हम बना सकते हैं भोजन को। तलने वाला, तलना यानी मतलब है तेल घी वाली चीज, तेल या घी से तेल घी में तली हुई भोज पदार्थ है ना। तो उबालना में पानी में उबाल सकते हैं, बढ़िया स्टीम भी कर सकते हैं बिना पानी वाली सब्जी भाजी वाजी को भी हम ऐसे ही भाप में काट के धो के रख सकते, भाप में हो जाती है। सेकने से मतलब है भूनना, भूंजना या सेकना। फिर उबालने के कई प्रकार हैं, जैसे भाप द्वारा है ना, भाप द्वारा भी पकाई जाती है उबालने वाली सब्जियां, धीमी आंच में भी पका सकते हैं हम, उष्णता के माध्यम से यानी आंच तेज आग के द्वारा चिकनाई से भी भोज्य पदार्थों को हम पका सकते हैं। फिर है भाप द्वारा पानी में उबालने से भोज्य पदार्थों के तत्व जो होते हैं विटामिन, वो नष्ट नहीं होते हैं, विटामिन नष्ट नहीं होते हैं, यानी जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, सब्जियों में या जो भी हम चीज पकाते हैं उसमें उबालने से भोज्य पदार्थों के तत्व उबालने भाप द्वारा विधि से नष्ट नहीं होते। फिर धीमी आंच में पकाने से कठोर छिलके वाली सब्जियों को हम धीमी आंच में पकने के लिए रख सकते हैं, पकाई जाती। इस विधि में समय अधिक लगता है क्योंकि वह धीरे धीरे धीमी आंच में पकता है। फिर उष्णता के माध्यम से यानी आग या उष्णता की गर्मी द्वारा पकाने वाली विधि। इस विधि से हम आर्द्रता कम में पका सकते हैं भोजन, यानी कम आंच में ही हम इसको भोजन को पका सकते हैं, जैसे उसमें सोनापन आ जाता है। जैसे धीरे धीरे हम आटे को गूंथते हैं उससे सोनापन आता है ना। फिर भुट्टे भूंजना, ये भी हम धीमी धीमी आंच में भून सकते हैं। बादाम वगैरह हुआ बिना तेल के उसके हम कढ़ाई में ऐसे ही बिना उसके आर्द्रता के द्वारा हम इसको भून सकते हैं। इन इन भोज पदार्थों में सोंधापन आ जाता है ऐसे भूनने से। फिर चिकनाई के माध्यम से, चिकनाई के माध्यम से मतलब घी और तेल के द्वारा पदार्थ भोज पदार्थ पकाए जाते हैं कढ़ाई द्वारा। जैसे कढ़ाई में इस विधि में दो होती है, कैसे, एक होती है गहरी विधि और दूसरी होती है उबली विधि। गहरी विधि कैसे, यानी कढ़ाई में कढ़ाई रखते हैं उसमें घी तेल डालकर तला जाता है, जैसे पूरी समोसा कचौड़ी आदि। पूरी समोसा और कचौड़ी क्या, घी या तेल से पकाई हुई कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है। तो ये कौन सी विधि हुई, गहरी विधि, ये कढ़ाई में घी तेल डालकर पकाने वाली। उबली विधि है कि कम तेल डालकर हम पकाया जाने वाला भोज्य पदार्थ, जैसे आमलेट।
ऑमलेट, पराठे, चीले आदि। ये प्रतिदिन तले जाने वाले पदार्थ हैं और प्रतिदिन खाने खाए जाने वाले, लेकिन इनसे आंतों में तकलीफ हो जाती है क्योंकि ये गरिष्ठ होते हैं, ये बहुत देरी से पकते हैं, बहुत देरी से हमारे शरीर में पाचन क्रिया में पचते हैं, है ना। क्योंकि ये आमलेट भी गरिष्ठ होता है, पराठे डबल डबल बनाकर हम तेल लगाकर और फिर तेल डालते हैं तो ये भले कम तेल रहता, फिर चीला चीला भी उसमें सिका हुआ, इसलिए ये गरिष्ठता इसमें ज्यादा उष्णता के कारण आंतों में भी तकलीफ होती पचने में। फिर है सोलर कुकर में भोज्य पदार्थों को पकाने से क्या लाभ है और सावधानियां लिखिए। तो सोलर कुकर में पकाने से भोजन की पहला तो है ईंधन की बचत होती है, काही की बचत होती, ईंधन की यानी हमको आग की बचत होती, जैसे गैस कुकर आजकल हम चलाते हैं तो उसमें सोलर कुकर में क्या होता है, ऊपर हम धूप में छत में रख देते हैं आउटर लेंस के द्वारा, उसमें धूप लगती है और फिर भोजन धीरे धीरे पक जाता है और तो ईंधन की बचत होती क्योंकि सूर्य की रोशनी से पकता है भोजन। फिर है इसमें भोज्य पदार्थ जलता नहीं है क्योंकि धीमी धीमी अंदर होता रहता है तो वो जलने नहीं पाता है। फिर विटामिन सुरक्षित होते हैं, अब इसमें ढक के काला रंग होता रहता है और सूर्य की रोशनी के कारण वह उसमें विटामिन सारे सुरक्षित रहते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हम भुने भी जा सकते हैं, है ना, जैसे बादाम वगैरह ये सब अगर हम रख दें उसमें तो धीमी धीमी आंच में ये भुज भी सकता है। फिर इसमें पकाने से यह लाभ है कि हम उस समय में कुछ और अन्य काम कर सकते हैं, मान लो ऊपर सोलर कुकर रखा छत में, नीचे हम आ गए अपना दूसरा काम, कपड़ा धोना, सब्जी काट, कुछ कोई भी अदर काम हम करके कर सकते, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जितनी देर में ऊपर भोजन पक रहा है उतनी देर में हमारा दूसरा काम होता है तो समय की बचत हो जाती है, भोजन स्वादिष्ट बनता है, पोषक तत्व भी विटामिन नष्ट नहीं होते हैं, है ना, धीरे धीरे पकते हैं, ना तेल ना घी ना कुछ डालना और फिर भोजन स्वादिष्ट बनता है। इससे स्वाद धीरे धीरे पकता है, ज्यादा देर तक बढ़िया तो और भी इसका स्वाद अच्छा हो जाता, तो पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। फिर है सावधानियां, सोलर कुकर को सावधानी से उठाना चाहिए, सोलर कुकर को जब भी उठाएं एक जगह से दूसरी जगह तो उसको सावधानी से ऐसे उठाएं कि उसका कांच वांच ना टूटे, उसका दर्पण शीशा लगा रहता है उसमें, है ना, तो वो टूटे ना। फिर डिब्बे जो होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके रख देना चाहिए और रगड़ कर साफ नहीं करना चाहिए पॉलिश छूटने का वक्त, क्योंकि उसमें काले रंग का पॉलिश होता है, वह छूटना नहीं चाहिए नहीं तो भोजन अच्छे से नहीं पकेगा। फिर उपयोग करने के लिए हमें सोलर कुकर को बंद अवश्य कर दें, उसके अंदर धूल ना जमे और ऐसे सावधानियां रखना चाहिए। फिर है भोज पकाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, श्रेष्ठ विधि वही है जो भोज्य पदार्थों का मूल्य कम से कम न समय नष्ट करे और भोज्य पदार्थ की अच्छी पौष्टिकता भी बनी रहे। किसी एक विधि को हम सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते क्योंकि उबला हुआ भोजन भी पनियर लगेगा और तला हुआ भोजन गरिष्ठ होगा पचने में, तो इसलिए हम किसी एक विधि को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। यदि हम भोजन को सीधे आंच में प्रयोग करेंगे तो कई जीवन तत्व यानी विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम भोजन की कोई भी एक विधि को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और परीक्षा की तैयारी करनी है।